हाँ तो गाइस, आप लोगों का एक कमेंट मुझे काफी ज्यादा देखने मिल रहा है। जब मैंने आपको वीडियो दी थी फायरबोल्ट कोबरा की, आपको पता है फायरबोल्ट एक नया स्मार्ट वॉच फायरबोल्ट कोबरा लॉन्च करने वाला है, और उसी के साथ में ही फायरबोल्ट एक और नया स्मार्ट वॉच फायरबोल्ट एस्ट्रो भी लॉन्च करने वाला है। कहीं ना कहीं दोनों के फीचर्स काफी बढ़िया आपको मिल जाते हैं, काफी सेम आपको मिल जाते हैं, लेकिन जो प्राइस है उसमें लगभग आपको 500 रुपए का डिफरेंस देखने मिलता है। काफी लोगों के सवाल थे कि भाई इन दोनों में हम काफी कंफ्यूज हैं, हमको बताओ कि भाई हमको कौन सा लेना चाहिए, कौन सा हमारे लिए बेस्ट होगा। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूं कि कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा और कौन सा आपको लेना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं डिजाइन की बात करता हूं, दोनों की डिजाइन आपको रेक्टेंगल शेप ही देखने मिल जाएगी, लेकिन भाई थोड़ा बहुत डिफरेंट आपको मिलेगा, एक बोल्ड एक रगेड डिजाइन आपको मिलेगी फायरबोल्ट कोबरा में, क्योंकि आपने देखा होगा फायरबोल्ट टैंक देखा होगा वैसा डिजाइन आपको देखने मिलता है। थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिजाइन आपको यहां पर मिलती है फायरबोल्ट कोबरा में, लेकिन एक स्लिम सी डिजाइन, एकदम सिंपल सी डिजाइन आपको चाहिए तो वो आपको फायरबोल्ट एस्ट्रो में मिलेगी। अब भाई ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा वाला डिजाइन पसंद है। आपको एकदम सिंपल सी जो मैंने वॉच पहन रखी है ऐसा डिजाइन आपको पसंद है, या फिर आपको एक थोड़ा तड़कता बड़ा था, थोड़ा एक रगेड डिजाइन, थोड़ा स्पोर्टी लुक मिले, थोड़ा आर्मी वाला फील आए, तो वो आप फायरबोल्ट कोबरा की तरफ देख सकते हैं, उसमें आपको डिजाइन अलग मिलेगी। बाकी मल्टीपल कलर चॉइस आपको दोनों में मिलेगी, जो आपको पसंद है वो आप दोनों में यूज कर सकते हैं, दोनों में चूज कर सकते हैं। बाकी अब बात करते हैं भाई इन दोनों के डिस्प्ले की, तो भाई एग्जैक्ट सेम डिस्प्ले आपको दोनों में मिलेगी, 1.78 इंचेस का एक एमोलेड डिस्प्ले जो कि 368x448 के पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ में आपको मिलेगा, यानी कि एक्चुअल जो डिस्प्ले होगी वो दोनों में ही आपको सेम एकदम बढ़िया मिल जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा बड़ा चेंज मिलेगा, क्योंकि दोनों का जो डिस्प्ले है वो सेम ब्रांड का है, फायरबोल्ट का है, दोनों में अच्छा खासा डिस्प्ले आपको मिल जाएगा। दोनों में मल्टीपल वॉच फेसेस आप चेंज कर सकते हैं, दोनों में जो भी आपको कस्टमाइज करना है वो डिस्प्ले में वो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ये चीज तो यहां पर है कि डिस्प्ले दोनों की आपको सेम ही देखने मिल जाएगी। बाकी हेल्थ फीचर्स आपको दोनों में सेम मिलेंगे, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप रेट मॉनिटरिंग, ब्रीथ मोड, एस्पीड हो गया, सभी कुछ आपको यहां पर देखने मिल जाएगा। वो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी यूज करना चाहो वो आप यूज कर सकते हैं। मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड भी आपको दोनों में मिल जाएगा, जो भी आप यूज करना चाहो वो आप यूज कर सकते हैं। स्मार्ट फीचर्स की मैं बात करूं तो भाई दोनों स्मार्ट वॉच में आपको मिल जाता है ब्लूटूथ कॉलिंग वाला फीचर, यानी कि कॉलिंग वगैरह आप लेना चाहते हैं वो दोनों में ही आप ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको यहां पर देखने के लिए नहीं मिलेगी। सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन हो, चाहे वो सोशल मीडिया का कोई सा भी चीजें हो, सभी आपको मिलेगी। कॉल आप अटेंड कर सकते हो, कॉल आप कट कर सकते हो, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। दोनों में आपको गेम्स भी मिल जाएंगे अगर आप गेम्स खेलना चाहते हो, मतलब कि एक्यूरेट दोनों में आपको सेम चीजें मिल जाएगी। एक चीज में आपको चेंज मिलेगा जो कि है इन दोनों का प्रोटेक्शन, यानी कि अगर आप कोबरा की बात करेंगे फायरबोल्ट कोबरा की, तो यहां पर आपको मिलेगा IP68 जो कि एक अच्छी चीज आपको देखने में मिल रही है, प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अच्छी मिल रही है। लेकिन जो फायरबोल्ट एस्ट्रो है उसमें आपको मिलता है IP67 जो कि मुझे थोड़ा बहुत बेकार लगा ये चीज, क्योंकि देखो जिस प्राइस पर आ रहा है 3000 के अकॉर्डिंग इसका प्राइस है, अराउंड 3000, उसके हिसाब से यहां पर आपको IP68 मिल जाना चाहिए था जो कि आपको नहीं मिल रहा है। IP68 होता तो काफी अच्छी बात होती, IP67 में इस रेंज में भी बोलूंगा कि यार IP68 तो होना ही चाहिए, क्योंकि आपको 1200-1500 वाली स्मार्ट वॉच में भी IP68 मिल जाता है जो कि आपको यहां पर नहीं मिल रहा। बाकी अगर मैं बैटरी बैकअप की बात करता हूं भाई, देखो फायरबोल्ट कोबरा में आपको मिलता है 15 डेज का बैटरी बैकअप, यानी कि 15 दिन का, जो कि ब्रांड बोल रहा है। हार्डली यूजर्स पर 10 दिन का बैकअप मिल रहा है, ब्रांड बोल रहा है, यानी कि जो बैटरी बैकअप है वो अगर आप हार्डली भी यूज करोगे तो लगभग 7 दिन का बैकअप आप मान के चलो कि कैसे भी यूज करोगे तो 7 दिन का बैकअप तो आपको मिल जाएगा। लेकिन जो फायरबोल्ट एस्ट्रो है उसमें आपको 7 दिन का बैकअप ब्रांड बोल रहा है कि 7 दिन का बैकअप मिलेगा, लेकिन अगर आप इसको हार्डली यूज करोगे, थोड़ा यूज करोगे उसमें चीजें वगैरह, तो आपको जो बैटरी बैकअप मिलेगा वो 2 से लेकर 3 दिन का ही मिल पाएगा। लेकिन यार मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब सभी चीजें समान मिल रही है, बिल्कुल एकदम सेम मिल रही है, डिस्प्ले वगैरह सभी चीजें सेम मिल रही है, तो फिर बैटरी बैकअप में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हैं फायरबोल्ट जो कोबरा है सारी चीजें सेम ही मिल रही है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं मिल रहा कि इसमें डिस्प्ले बड़ा है, डिस्प्ले दूसरा है, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा। एस्ट्रो में जो चीजें हैं वही मिल रही है, लेकिन फिर भी फायरबोल्ट कोबरा बोल रहा है कि 15 दिन का बैकअप मिल जाएगा, जबकि एस्ट्रो में वही बैकअप आपको 7 दिन का मिल रहा है। यह चीज मुझे थोड़ा बहुत समझ में नहीं आई भाई कि ये ऐसा क्यों है, जबकि सेम चीजें सेम दोनों में ही सेम मिल रही है। अब बात आती है कि भाई हमको लेना कौन सा चाहिए। तो भाई देखो, अगर आपको एक ऐसा डिजाइन पसंद है जो कि एकदम सिंपल सा हो, जिसमें कि कोई ज्यादा भड़कता डिजाइन आपको ना मिले, बस एक एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, क्वालिटी अच्छी चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा आप फायरबोल्ट एस्ट्रो की तरफ जाओ। कम प्राइस में आपको सारे वही फीचर्स मिल जाएंगे जो कि आपको फायरबोल्ट कोबरा में मिल रहा है। बैटरी बैकअप मुझे नहीं लगता कि 15 दिन का आपको फायरबोल्ट कोबरा में मिलेगा जो कि ब्रांड बोल रहा है।
वो आपके यूजर्स पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। बाकी अगर आपका मन है कि यार मुझे एक ज़्यादा बैटरी बैकअप चाहिए, हो सकता है कि यार फायरबोल्ट कोबरा में मिले जो बैटरी बैकअप है, वो जब प्रोडक्ट होगा तब मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, मैं अनबॉक्सिंग करूंगा, आपको बताऊंगा कि सच में एक्चुअल में जो बैकअप है वो कितना यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। बाकी अगर आपको एक अच्छा बैटरी बैकअप चाहिए, एक अच्छी डिज़ाइन चाहिए, एकदम रगेड डिज़ाइन चाहिए, तब आप जा सकते हैं फायरबोल्ट कोबरा की तरफ, जो कि 500 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट देके आपको वो मिलेगा। लेकिन अगर आप प्राइस के हिसाब से लेना चाहते हैं, 3000 प्राइस हो, एक अच्छी सिंपल सी डिज़ाइन हो, तो आप फायरबोल्ट एक्स्ट्रा ले सकते हैं। बाकी अगर आपको डिज़ाइन थोड़ा चेंज चाहिए, थोड़ा अलग सा बोल्ड सा डिज़ाइन चाहिए, तब आप फायरबोल्ट कोबरा ले सकते हैं। बाकी देखो भाई, यहाँ तक आने के बाद में दोनों ही स्मार्ट वॉच काफ़ी अच्छी है, दोनों में कोई ज़्यादा बड़ा चेंजेस नहीं है। प्राइस अगर बात करता हूँ तो एस्ट्रो 3000 के प्राइस में आएगा और जो कोबरा है वो 3500 के प्राइस में आएगा। दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन अब क्या ही, ये दोनों अपनी जगह ठीक है। बाकी अगर आप कोई भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके साथ में किसी और स्मार्ट वॉच का आपको कंपैरिजन वीडियो देखना है तो आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।